हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम है उज्जवल। गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने हैकिनशी टेक्निक को सीखा। हैकिनशी एक कैंडलस्टिक टेक्निक है जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल टेक्निक है, और उम्मीद कर रहे हैं आपने उस टेक्निक को सीखा होगा और अपने ट्रेडिंग में भी अप्लाई किया होगा और आपको डिफरेंस देखने को मिला होगा। अगर आप पहले ट्रेडिशनल कैंडल से ट्रेडिंग कर रहे थे और अब हैकिनशी से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट रेशियो भी इंक्रीज़ हुआ होगा और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप हुआ होगा। लेकिन आपने मुझे कमेंट्स करके बताया नहीं तो मैं जान नहीं पा रहा हूँ कि आपको इससे कितना प्रॉफिट हुआ। हालांकि इसी हैकिनशी की स्ट्रैटेजी को यूज़ करके हम लोग स्कैल्पिंग ट्रेडिंग आज सीखने वाले हैं। स्कैल्पिंग करके हम किस तरह से डेली फ्यूचर ट्रेड के अंदर प्रॉफिट निकाल सकते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी है, सीक्रेट स्ट्रैटेजी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हालांकि स्कैल्पिंग की बहुत सारी स्ट्रैटेजी हैं, लेकिन इस स्ट्रैटेजी को भी मैं यूज़ करता हूँ और यहाँ से भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। क्योंकि मार्केट देखिए वॉलेटाइल है। अगर बिटकॉइन अपडेट की बात करें तो जब तक प्राइस $23,000 के ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग नहीं दे देता तब तक आगे के मूवमेंट हम देख नहीं पाएंगे। इथेरियम मर जाने वाला है तो लगभग मुझे लगता है कि 1800 से 2000 के बीच में रैली आ सकती है अगर मार्केट में कुछ गड़बड़ ना हुआ तो। तो मार्केट देखिए बहुत वॉलेटाइल है क्योंकि अभी फिर 13 तारीख को CPI डेटा आने वाला है, उसके बाद फिर आपका इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाला है, तो पूरा मंथ ऐसे ही चला जाएगा। तो मार्केट का काम है वॉलेटाइल होना, मार्केट अप एंड डाउन होती रहेगी। बिटकॉइन की अपडेट आपको लगभग मुझे लगता है कि यूट्यूब चैनल पर हर कोई दे देता है, यानी कि आपको बिटकॉइन की मतलब बहुत ज़्यादा जानकारी हो जाती है क्योंकि 10 वीडियो अगर आप देखते होंगे तो 9 में तो बिटकॉइन की अपडेट आपको देखने को मिलती होगी। तो दोस्तों, हम लोग बिटकॉइन अपडेट की बात नहीं करेंगे बल्कि हम लोग प्रॉफिट कमाने के तरीके सीखेंगे कि हर मार्केट कंडीशन में हम प्रॉफिट जनरेट कैसे करें। अपडेट लेना ठीक है, हमें ज़रूरत है, हमने ले लिया, एक दो वीडियो देख लिए, बिटकॉइन का एक रफली आइडिया हो गया, लेकिन बेसिकली हम जिस पर्पज़ के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि कमाने के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं, पैसे बनाने के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमको उस पर ध्यान देना है बिटकॉइन अपडेट से हमें क्या मिल जाएगा। बस हमें नॉलेज के लिए चाहिए, हमने ले लिया। तो हम अब सीखेंगे स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग गाइस, अगर आपको नहीं पता है तो मैंने स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेडिंग का कंपैरिजन का एक वीडियो बनाया था, काफ़ी पुराना वीडियो है, आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगा, उस वीडियो का आप चेक कर सकते हैं। उस पर मैंने डिटेल में बताया कि स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेडिंग दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आज हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे कौन सी टेक्निक, कौन सी स्ट्रैटेजी आप यूज़ करेंगे जिससे कि आप रोज़ अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। स्कैल्पिंग में क्या होता है, बहुत ही छोटा ट्रेड होता है, यानी कि माइक्रो लेवल पर ट्रेडिंग होती है और बहुत ही लोअर टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग होती है। यहाँ पे आपको छोटा सा लॉस होता है और छोटा सा ही प्रॉफिट होता है, यानी कि अगर प्रॉफिट की बात करें तो एक ट्रेड के अंदर आप $1 से $1.5 तक निकाल सकते हैं, और लॉस होता है तो 25 सेंट या 10 सेंट 15 सेंट इस तरह से लॉस होता है। तो बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होता, ऐसा नहीं कि आपका पूरा अकाउंट साफ हो जाएगा। जैसे फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम लोग बहुत बड़े बड़े लेवरेज ले लेते हैं, आज ही हमको करोड़पति बनना है, हमने लंबी ट्रेड ले ली, 10x लेवरेज ले लिया, 20x ले लिया, 50x ले लिया, एक आध ट्रेड में तो बिल्कुल बल्ले बल्ले हो जाती है, उसके बाद अगले ही ट्रेड में हमारा पूरा अकाउंट साफ हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको प्रॉफिट बहुत छोटा होगा, ठीक है, लेकिन छोटा छोटा करके जब आप काम करेंगे, मैं ये नहीं कहता आपको डेली $20-25-50 मिल जाएंगे, आप अगर डेली के स्टार्टिंग में छोटे अमाउंट से आप ट्रेड कीजिए, ऐसा नहीं कि जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ उसमें लॉस नहीं हो सकता, लॉस डेफिनेटली होना है, लॉस एक पार्ट है ट्रेडिंग का, स्टॉप लॉस आपका हिट होना ही होना है, उसको कोई नहीं बचा सकता, जितना बड़ा ट्रेडर हो, ठीक है, उसको स्टॉप लॉस देना ही देना है, वो मार्केट की एक फीस है, वो आपको देनी पड़ेगी। बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा साइकोलॉजिकल अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, इमोशन से आपको बाहर आना है, इमोशनली अटैच नहीं होना है। स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आप तुरंत एग्जिट हो जाइए, बिल्कुल उस समय तुरंत ट्रेड मत लेने की कोशिश कीजिए कि मैं दोबारा फिर से उसी में ट्रेड लूँ। तो कुछ इस तरह के तरीके हैं जिसको आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके आपके अंदर वो चीज़ें आती रहेंगी। मैंने भी आपकी तरह सीखा, मैंने कोई मास्टरी नहीं हासिल किया, मैंने कोई कोर्स नहीं किया, जस्ट मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ, करते 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 काफ़ी समय से कर रहा हूँ, तो मुझे खुद से ही पता चल गया कि मुझे क्या करना है। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत काम की है, और आप डेली के डेली अगर मिनिमम की बात करें तो अगर यहाँ से दिन के $5 भी निकाल लेते हैं तो आप आराम से महीने के $150 आराम से निकाल पाएंगे।
थोड़ी सी आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, आप लगे रहते हैं तो आपके दिमाग में भी तमाम आइडियाज़ आते रहते हैं कि आपको किस तरह से ट्रेड लेना है, कैसे प्रॉफिट जनरेट करना है, तो वहाँ पे आपको और भी ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के चांस बन जाते हैं। यानी कि आप पर डे $10 भी निकाल सकते हैं, $20 भी निकाल सकते हैं और भी ज़्यादा निकाल सकते हैं। तो ऑलरेडी जो आपका प्रॉफिट का रेशियो है, प्रॉफिट का ग्राफ है, वो ऑटोमेटिकली हाई होता चला जाता है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं स्कैल्पिंग कैसे आप करेंगे, कैसे आप प्रॉफिट जनरेट करेंगे, कैसे ट्रेड लेना है। हालांकि गाइज मैं आज लाइव ट्रेडिंग करने के मूड में था कि मैं सोचा था कि लाइव ट्रेडिंग करके आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं, लेकिन चूंकि स्ट्रैटेजी बताना ज़रूरी है, स्ट्रैटेजी बताऊंगा फिर लाइव ट्रेडिंग करूंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो वो मैं नहीं चाहता हूं। हालांकि अभी आज हम लोग स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। जिस स्ट्रैटेजी की बात करूंगा, अगर आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, कम से कम 8-10 लोग अगर मुझे बताते हैं कि भैया लाइव ट्रेडिंग करके मुझे प्रैक्टिकली दिखा दीजिए, तो मैं इसी स्ट्रैटेजी पे लाइव ट्रेडिंग करके भी आपको दिखा दूंगा किस तरह से आप ट्रेड ले सकते हैं, जिससे कि आपको प्रैक्टिस होगी और आप उसको अपने ट्रेडिंग में अप्लाई कर पाएंगे, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको लाइव ट्रेडिंग से। उसके बाद फिर कभी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी बताऊंगा तो उसके ऊपर लाइव ट्रेडिंग करूंगा, तो इस तरह से मैं करूंगा, लेकिन आपकी सहमति ज़रूरी है, आपका कमेंट्स आना ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और सीखते हैं स्कैल्पिंग हम कैसे करेंगे, कैसे हम प्रॉफिट निकाल सकेंगे, मिनिमम लॉस करके मैक्सिमम प्रॉफिट हम कैसे निकाल सकते हैं इस स्ट्रैटेजी के थ्रू। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने और भी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और कॉमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसे लगी। तो बहुत ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और सीधा खुले जाता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरह से हम स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और आपके सामने यहाँ पे चार्ट ओपन है BTC USD का। स्कैल्पिंग के अंदर गाइज टाइम फ्रेम बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग 15 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करते हैं, कुछ लोग 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करते हैं और मैक्सिमम लोग जो है 1 मिनट चार्ट पे ट्रेड करते हैं, क्योंकि बहुत ही माइक्रो लेवल की ट्रेडिंग है तो यहाँ पे आपको क्विकली डिसीजन लेना पड़ता है। जितना लोअर टाइम फ्रेम होगा उतना ही ज़्यादा आप ट्रेड कर पाएंगे, उतना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। लोग एक एक दिन में 40-40, 50-50 ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन हालांकि आपको उतना ट्रेड अभी नहीं लेना, इनिशियल स्टेज पे आप 5 ट्रेड दिन के ले सकते हैं, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि इस तरह से आपको ट्रेडिंग करनी है। आज जो स्ट्रैटेजी हम लोग सीखने वाले हैं वो 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे, तो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है क्योंकि जो स्टेप मैं बताने जा रहा हूँ इन सारी चीज़ों को सीखेंगे, इनको अप्लाई करेंगे तभी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो अगर आप इसको मिस कर देंगे तो जाहिर सी बात है फिर आप इस स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली सीख नहीं पाएंगे। तो इस पार्ट को ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या क्या चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं BTC का चार्ट है, बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें मैंने कोई भी इंडिकेटर वगैरह कुछ नहीं लगाया है, बिल्कुल प्लेन नेकेड चार्ट है, ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम का है। अब हमें इसमें पहला काम क्या करना है, हमें यहाँ पे 2 मूविंग एवरेज चाहिए, ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमें यूज़ करना है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ में बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है ट्रेडिंग का और उससे आप कैसे प्रॉफिट निकालेंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में जाते हैं, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम सर्च करते हैं मूविंग एवरेज। यहाँ मूविंग एवरेज हमने सर्च किया और हमें एक्सपोनेंशियल वाला यहाँ पे चूज़ करना है, तो हमें यहाँ पे 2 चाहिए, तो हमने 2 यहाँ पे चूज़ कर लिए। तो अब हमें क्या करना है, दोनों ही जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो बाय डिफ़ॉल्ट 9 पे सेट रहता है, तो हमको क्या करना है, दोनों ही 9 पे हैं तो एक की सेटिंग को हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो सेटिंग पर जाते हैं, सेटिंग पर जाने पर यहाँ पर आपको लेंथ दिख रहा 9, यहाँ पर आपको कर देना है 50, यहाँ पे आपको क्या करना है 50 कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे जो ऊपर दिख रहा है टाइम फ्रेम चार्ट को आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप कर देंगे hour 4। तो यहाँ पे 2 चेंजेस करने हैं आपको, टाइम फ्रेम के अंदर आपको hour 4 कर देना है और यहाँ पे लेंथ में आपको 50 कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, स्टाइल यहाँ पे आपका ब्लू कलर में है तो इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं येल्लो और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते ओके। और दूसरा वाला जो है वो 9 का ही है, उसको भी थोड़ा सा सेटिंग में जाते हैं और इसको
कलर हम भले थोड़ा सा चेंज कर देते हैं जिससे कि थोड़ा सा आपको आसानी हो, यहाँ पे वाइट कर देते हैं, ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। तो ये हमारा 9 का हो गया, और 9 वाले को हम चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे। तो ये दो सेटिंग हो गई। कौन कौन सी सेटिंग की? एक हमने दोनों ही पहले हमने 9 के EMA को चूज़ किया, और एक को हमने 50 में कन्वर्ट कर दिया उसकी सेटिंग में जाके, और टाइम फ्रेम उसमें 4 आवर का लगा दिया, ठीक है, और एक जो बाय डिफॉल्ट था वही था, जस्ट हमने कलर उसका चेंज कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं 9 वाला जो है, जो कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ होता है, तो वो हमारे कैंडल के साथ ही मूव कर रहा है। आवर 4 में जो 50 का मूविंग एवरेज मैंने सेट किया था वो आपको सामने नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, तो उसको थोड़ा सा हम लोग स्क्वीज करते हैं कैंडल को। ये देखिए, ये जो येल्लो कलर का मैंने किया था ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 का वो नीचे की तरफ है। सबसे पहला जो रूल है वो है कि हमने EMA लगा लिया अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद हमें क्या करना है कि जब EMA 50 वाला जो आवर 4 में लगा हुआ है ये अगर कैंडल के नीचे यानी कि प्राइस के नीचे रहे तो हमें हमेशा जो है बाइंग करनी है। आपको यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, सिर्फ बाइंग पोजीशन लेना है। अगर आवर 4 वाला EMA 50 का EMA अगर प्राइस के नीचे रहेगा तो हमें हमेशा लॉन्ग पोजीशन लेनी है, शॉर्ट पोजीशन नहीं लेनी है 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। समझ में आ गया आपको? और अगर ये 50 का EMA प्राइस के ऊपर होता यानी प्राइस नीचे होता और ये वाला येल्लो वाला जो EMA है 50 वाला ये ऊपर होता तो हमें हमेशा शॉर्ट पोजीशन लेनी होती है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना, ये रूल है, यानी कि जब 50 का EMA नीचे होगा प्राइस के तो हमें हमेशा लॉन्ग करना है, और अगर ये 50 का EMA ऊपर होगा प्राइस के तो हमें हमेशा शॉर्ट करना है। ये क्लियर है आपको? चलिए आगे देखते हैं। ये रूल नंबर 1 हो गया। तो यहाँ पे हमें सिर्फ लॉन्ग पोजीशन ही फाइंड आउट करना है, शॉर्ट पे हमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि तो हमें जो सिग्नल बता रहा है 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर वो हमें सिर्फ बाइंग की ही बात बता रहा है, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। तो अब देख लेते हैं, हमें जब लॉन्ग ही करना है तो हम क्या देखेंगे। सेकेंड हमारा काम है जो 9 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये क्या बता रहा है, हमें शॉर्ट टर्म प्राइस की मूवमेंट बता रहा है, ठीक है। तो हमें बाइंग की एंट्री कैसे लेनी है, जैसे कि हमने हैकिनेसी टेक्निक वाले वीडियो में सीखा, सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन डिसीजन कैंडल देखना है। अगर मान लेते मार्केट यहाँ पे गिरती जा रही है, लगातार रेड कैंडल बन रही है, बेरिश है मार्केट, और एक इनडिसीजन कैंडल बनती है, इसके मतलब वहाँ पे मार्केट में चेंजेस आने वाले हैं। इनडिसीजन कैंडल बनती है तो वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है कि बायर्स वहाँ पे बाइंग करने वाले हैं या सेलर्स सेलिंग करने वाले हैं, तो इनडिसीजन कैंडल को आप देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जब बनती है, मान लेते हैं बुलिश कैंडल बनती है, तो आप उस कैंडल को छोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट कैंडल देखते हैं कि अगर नेक्स्ट कैंडल भी बुलिश बनती है, स्ट्रांग बनती है, बाइंग आती है, यानी कि ऊपर वीक वाली कैंडल बनती है, तो ही आपको इंटर करना होता है। लेकिन इंटर कब करेंगे, जब 9 EMA के ऊपर प्राइस प्रॉपर ब्रेकआउट कर दे। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे लगातार प्राइस गिर रहा था, गिरने के बाद यहाँ से अचानक से ग्रीन कैंडल बनी, अच्छी खासी स्ट्रांग कैंडल बन रही है, आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ग्रीन कैंडल बन रही है लगातार, लेकिन यहाँ पे हम एंट्री नहीं ले रहे क्योंकि 9 EMA के प्राइस नीचे है, तो बिल्कुल यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि इनडिसीजन कैंडल भी बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी बाइंग की, जो कि 9 की EMA को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे भी हम एंट्री नहीं लेंगे, हम एंट्री लेंगे नेक्स्ट कैंडल पे जब। तो यहाँ पे हम फिर देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग एक बाइंग कैंडल बनती हुई दिख रही है, तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, फिर हम यहाँ पे ट्रेड में बने रहेंगे। कब तक बने रहेंगे, जब तक इनडिसीजन कैंडल नहीं बन जाती है। या एक चीज़ आप और कर सकते हैं, जब आप देख पा रहे हैं ये कैंडल्स जो बन रही है बाइंग की, इसमें विक ऊपर बन रही है नीचे नहीं बन रही, इसका मतलब अभी बायर्स जो है एक्टिव है, तो हम बने रह सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये कैंडल बाइंग की कैंडल छोटी होने लगती है, उसकी बॉडी जो है छोटी होने लगती है, आप देख पा रहे हैं छोटी बॉडी हो गई, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि यहाँ पे अब धीरे धीरे करके बायर्स जो है वो एग्जिट हो रहे हैं, यानी बायर्स जो है वीक हो रहे हैं, अब सेलर जो है वो हावी होना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अपने पोजिशन से बाहर आ जाएंगे, एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। उसी तरह से सेलिंग में भी है, यानी कि बेरिश कैंडल लगातार बन रही है, और बेरिश कैंडल अगर बॉडी बड़ी बन रही है तो इसका मतलब अभी सेलर पूरी तरीके से एक्टिव है, डोमिनेट है,
जैसे ही छोटी बॉडी बनने लगती तो समझ लीजिए कि अब सेलर जो है वो वीक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बायर जो है वो कमांड लेने जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए भी आप मार्केट से इन और आउट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बाइंग ही करनी है, क्योंकि हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है 50 वाला वो नीचे है, तो हम बाइंग पोजीशन ही सर्च करेंगे। इसी तरह से हर बार आप देखेंगे जब भी 9 EMA के ऊपर प्राइस प्रॉपर क्लोजिंग कर देगा तो हमें इंटर कर लेना है, और बॉडी अगर छोटी होती है तो हमें निकल जाना है, या इनडिसीजन कैंडल बनती है तो हमें एग्जिट कर लेना है। और उसी तरह से जब अपोजिट अगर आप कभी सेल पोजीशन लेंगे तो सेल पोजीशन जब 9 EMA के नीचे ब्रेकआउट हो जाएगा, प्रॉपर स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखेगी, तो आपको सेलिंग करना है। तो ये सिंपल दो रूल है। तो आप बाइंग करेंगे तो आपको बुलिश जब कैंडल दिखेगी 9 EMA के ऊपर तो बाई करना है, और उसी तरह से जब बेयरिश कैंडल दिखेंगे स्ट्रॉन्ग और 9 EMA के नीचे ब्रेकआउट कर देगी तो आपको सेलिंग करना है, दोनों ही तरीके। लेकिन अभी इस केस में हमें सिर्फ बाइंग करनी है। उसके बाद अगर बात करें ट्रेडिंग कैसे लेनी है, ये चीज़ तो हमने सीख लिया, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी गाइज। स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो, क्योंकि एक मिनट मिनटों में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो प्राइस कब कन्वर्ट हो जाए तो आप एग्जिट भी नहीं कर पाएंगे। तो स्टॉप लॉस पहले से ही लगा रखेंगे, प्रॉफिट पहले से लगा के रखेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको बहुत ही ध्यान से रखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस के बिना तो बिल्कुल मैं अलाउ नहीं करूँगा कि आप ट्रेड लें। तो आपको स्टॉप लॉस लगाना कहाँ है वो समझ लीजिए। सपोज आप यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे इंडिसिजन कैंडल बनी, ये रेड कैंडल थी, इंडिसिजन कैंडल बनी, यहाँ एंट्री नहीं ले रहे हैं, ये इस कैंडल ने एक अच्छी कैंडल बनी और इसने ब्रेक कर दिया 9 EMA को, ठीक है। उसके बाद एक छोटी बॉडी कैंडल बनी, हम यहाँ पे एंट्री नहीं ले रहे। जैसे यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी जो कि पूरा 9 EMA के ऊपर प्रॉपर क्लोज हुई, तो यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल देखिए इंडिसिजन बन रही है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट एक रेड बनी, लेकिन चूंकि 9 EMA को तोड़ा नहीं तो हम एग्जिट नहीं करेंगे, तो हमने एंट्री इस कैंडल पर ली है। तो जो इंडिसिजन कैंडल ये बनी थी, इसकी विक पे नीचे की तरफ हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के हम निश्चिंत होकर बैठ गए। अब यहाँ पे देखिए रेड कैंडल बनी, बेरिश कैंडल बनी, और ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था 9 EMA को, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाए। हालांकि हमारा स्टॉप लॉस तो यहाँ लगा हुआ है, तो हमें चिंता करने की बात नहीं है, अगर नीचे गिरेगा तो स्टॉप लॉस मेरा हिट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे रेड बनी ज़रूर थी, लेकिन फिर से यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए और प्राइस यहाँ से मोमेंटम दिखाने लगा और यहाँ पे हम लोग निकल गए, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्टॉप लॉस लेना है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए लगातार प्राइस गिर रहा है, अब फिर यहाँ पे इंडिसिजन कैंडल एक बनी, हम यहाँ पे एंट्री नहीं ले रहे। यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी तो यहाँ पे भी हम एंट्री नहीं ले रहे। हम एंट्री ले रहे हैं कब, जब प्रॉपर क्लोजिंग हो जाएगी 9 EMA के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए हमने एंट्री लिया और यहाँ पे बने हुए हैं और यहाँ तक हमने प्रॉफिट लिया, ठीक है। हमको मौका नहीं मिला, उसके बाद तुरंत यहाँ पे देख पे आ रहे हैं इंडिसिजन कैंडल बना, तो हम पहले एग्जिट हो गए, तो हमको बहुत ज़्यादा यहाँ प्रॉफिट नहीं हो पाया, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम एंट्री ले रहे थे तो हमने स्टॉप लॉस कहाँ लगाया, इंडिसिजन कैंडल के नीचे। तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगेगा कहीं भी आप देखेंगे, आपको बाइंग करनी है। सपोज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंडिसिजन कैंडल बना, बाइंग कैंडल बन रही, हम यहाँ पे एंट्री नहीं ले रहे हैं। फिर इंडिसिजन कैंडल बना, ये बाइंग कैंडल बनी, हम यहाँ पे भी एंट्री नहीं ले रहे हैं। जब ये 9 के ऊपर प्रॉपर यहाँ पे क्लोजिंग दिखी तब हमने एंट्री ली। यहाँ पे स्टॉप लॉस हमने इस वाले कैंडल के नीचे जो इंडिसिजन बना है इसके नीचे हमने स्टॉप लॉस लगाया, और यहाँ पे हम ट्रेड में बने हुए लगातार देख पा रहे हैं। लगातार ये सपोर्ट लेता हुआ 9 EMA को ऊपर प्राइस चला जा रहा है और लंबा प्रॉफिट हमें मिला। तो ये चीज़ करके आप अच्छा खासा डेली प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आपने मूविंग एवरेज सीख लिया, आपने हैकिनेसी को यूज़ कर लिया तो बस आपको ऐसे ही एंट्री ले लेनी, ऐसा नहीं है। अब कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। एक तो इतनी चीज़ें मैंने बताई, उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको वॉच करना पड़ेगा कि आपकी प्रॉपर एंट्री बने। ऐसा नहीं कि आँख बंद करके आप बिल्कुल कूद जाएंगे, आपको ट्रेडिंग में कई कन्फर्मेशन चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि मूविंग एवरेज के नीचे ब्रेक हुआ तो हम सेल कर देंगे, मूविंग एवरेज के ऊपर आया तो हम बाई कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ठीक है। तो आपको अपनी तरफ से मजबूती रखनी है कि कहीं हमारी ट्रेड गलत ना हो जाए। सटीक ट्रेड आपको कैसे लेनी है उसके लिए आपको कई चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अब जैसे मान लेते हैं कि आपको करंट लेवल पे यहाँ पे ट्रेड लेनी है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 9 के मूविंग एवरेज के प्राइस नीचे है, हमें यहाँ पे लॉन्ग करना है, शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो मूविंग एवरेज है 50 का वो नीचे है। तो हम यहाँ ये देखिए यहाँ पे बाइंग की एक बड़ी कैंडल बनी, तो हम अभी वेट कर देखें दूसरी कैंडल ऊपर बन गई, तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। लेकिन क्या ये एंट्री लेना सही जगह है, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा कि
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है, जिससे हम अपना प्रॉफिट अच्छा खासा निकाल सकें। तो यहाँ पे देखिए ड्रॉ किया जो कि यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है, तो हमें यहाँ कंफर्मेशन क्या मिली कि प्राइस इसके नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि जब हम एंट्री ले रहे तो हम सोचेंगे ना कि हम एंट्री लें कि ना लें। ठीक है, मूविंग एवरेज के ऊपर गया, कल को मूविंग एवरेज के नीचे भी तो आ सकता है, तो हम क्या देखेंगे सपोर्ट लगा के देखेंगे कि यार यहाँ पे इस एरिया पे प्राइस ने बार बार सपोर्ट लिया, थोड़ा सा नीचे ब्रेक जरूर हुआ था लेकिन फिर सपोर्ट पे आ गया, तो यहाँ पे एक अच्छा जोन बन रहा है एंट्री का। और यहाँ पे देख रहे हैं ईएमए के ऊपर प्रॉपर स्ट्रॉन्ग कैंडल भी बन रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस कैंडल पे इंटर हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें देखना है कि ऐसा तो नहीं कि ऊपर कहीं रेजिस्टेंस का कुछ हमको मिल रहा है कि हम वहाँ पे निकल नहीं पाएंगे, तो वो भी हमें देखना है। तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं। तो हम देख रहे हैं ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं ये एक रेजिस्टेंस का जोन बन रहा है। ये देखिए ये जो एरिया है बार बार यहाँ पे प्राइस टकरा रहा है, तो ये एक रेजिस्टेंस का एरिया भी बन रहा है, यानी कि अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं, अगर यहाँ पे लगातार बाइंग कैंडल बनती है तो हम वेट कर सकते हैं। कहाँ तक? यहाँ तक वेट कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि प्राइस यहाँ से टकरा के बार बार नीचे गिर रहा है, एटलीस्ट ये स्ट्रांग पोजिशन है, तो अभी यहाँ पे एंट्री लेंगे तो हम यहाँ तक तो बने रह सकते हैं, जो कि यहाँ पे 21,312 का लेवल है। अभी प्राइस नीचे है यानी कि सपोर्ट से प्राइस उठ रहा है, दो तीन कन्फर्मेशन में मिल गई प्राइस सपोर्ट से उठ रहा है, 9 AMA के ऊपर क्लोजिंग कर चुका है, तो एंट्री हमारी परफेक्ट है। तो यहाँ पे एंट्री ले ली हमने और स्टॉप लॉस हमने लगाया नीचे, इस चाहे इस सपोर्ट पे आप लगा लीजिए या इनडिसीजन कैंडल के विक पे लगा लीजिए, बात एक ही उसी सपोर्ट पे बना हुआ है। तो यहाँ पे लेने के बाद आप ट्रेड में बने हुए हैं और आप वेट करेंगे कहाँ तक? यहाँ तक, इस रेजिस्टेंस तक। तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा अगर आप इस तरह से ट्रेड लेंगे। तो कई पैरामीटर देखना है, ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज़ देखी और उस पर इंटर हो गए, ऐसा आपको नहीं करना है। साथ ही साथ आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब और तरीका क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस एक ट्रेंडलाइन सपोर्ट कहाँ पे ले रहा है, ये तो हमारा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हो गया। अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंडलाइन ड्रॉ करें एक और कन्फर्मेशन के लिए, तो हम क्या देखेंगे, ये देखिए ट्रेंडलाइन लिया और यहाँ पे हमने ट्रेंडलाइन लगाया और यहाँ पे हमने ये लगा दिया। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, ये जो ट्रेंडलाइन का यहाँ सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट था, यानी कि आप समझ रहे हैं ये जो सपोर्ट एरिया है ये कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो ये आपको पता चल गया कितनी चीज़ें कन्फर्म हो गई। एक तो ये कि EMA के ऊपर प्राइस ने क्लोज किया था, हमने इंटर हो गए थे। ठीक है, अब देखिए रेड कैंडल बन रही है लेकिन हम एग्जिट होने का में कोई डर नहीं, क्योंकि हमारे स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ है सपोर्ट पे। ठीक है, तो जब तक यहाँ नीचे ब्रेक नहीं होगा तब तक होगा नहीं। और ब्रेक क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक तो ये ट्रेंड लाइन का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि यहाँ से ले रहा है प्राइस। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग एरिया बन रहा है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने ड्रॉ की ये भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, तो प्राइस जो है स्ट्रॉन्गली इस एरिया को होल्ड करेगा, ये हमें कन्फर्म हो गया। तो हम निश्चिंत होकर यहाँ पर ट्रेड में बने हुए हैं, रेड कैंडल बन रही कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये टूटना नहीं चाहिए बस। ठीक है, अगर ये सपोर्ट टूटेगा तो जाहिर सी बात हमको एग्जिट कर लेना है, वो हमें देखना है। बीच में एक दो कैंडल रेड बनेगी उसके हमें उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस नीचे लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप बनाए सकते, कभी ट्रेड गलत भी हो सकती है, स्टॉप लॉस हिट भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टॉप लॉस हिट हो जाने का मतलब ऐसा नहीं कि बार बार आपको उसी ट्रेड में बार बार एंट्री लेनी है, ऐसा नहीं, आपको वेट करना है फिर से प्रॉपर सेटअप का, फिर से आपको एरिया फाइंड आउट करना है, उसके बाद आपको एंट्री लेनी है। इस तरह से आप कर सकते हो, जहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे, थोड़ा सा जो एरिया फाइंड आउट करेंगे स्टॉप लॉस के लिए उससे थोड़ा सा नीचे, आप देखिए यहाँ पे ब्रेक कर दिया नीचे, प्राइस ने इस लेवल को, इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया, इसका मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। ठीक है, बिल्कुल लाइव आपको सामने दिख रहा है, तो बस एग्जिट हो जाइए, स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर नया सेटअप को देखें, फिर आप वेट कीजिए। ऐसा नहीं कि आप तुरंत एंट्री लीजिए, आप वेट कीजिए फिर नेक्स्ट एंट्री कहाँ बन रही है, कहाँ पर सेटअप अच्छा बन रहा है, सपोर्ट कहाँ बन रहा है, कहाँ पे कोई ट्रेंडलाइन का सपोर्ट या रेजिस्टेंस तो नहीं है, इस तरह की चीज़ों को भी आपको देखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको हैकिनेशी कैंडल देखनी है या मूविंग एवरेज देखना, तो कई पैरामीटर्स जो आपको देखनी पड़ेंगे, तो इस पर जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए और यहाँ से आप अच्छी खासी इनकम करते रहिए। तो ये सारी चीज़ें थी, आगे और भी चीज़ें आपके साथ ऐसे डिस्कस करता रहूँगा। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आपने स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी को सीखा होगा जिस तरह से मैंने आपको एक एक पॉइंट बताए हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको ट्रेड कीजिए, मेरा सजेशन है कि आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट कीजिए, $10 से प्रैक्टिस शुरू कीजिए, $15 से कीजिए, बहुत ज़्यादा भी
फंड लगाने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं कि मैंने स्ट्रैटेजी बता दी तो यहाँ प्रॉफिट ही होने वाला, ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई मार्केट पे नहीं बता पाएगा। मार्केट में गाइज स्टॉप लॉस हिट होना ही है, लॉस आपको होना ही है, ये माइंड मेकअप करके आप ट्रेडिंग करिए। अगर आप हमेशा प्रॉफिट के लिए ही आएंगे तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। कोई भी मार्केट में इतना मास्टर नहीं है कि आपको हर ट्रेड में प्रॉफिट करवा पाए, तो इस गलत फहमी में मत रहिए। रिस्की मार्केट है, वॉलेटाइल मार्केट है क्रिप्टो, आपको पता ही है। तो यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड देख के चलना है, आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट करके चलना है, स्टॉप लॉस लगा के चलना है। हवा में ट्रेड लेंगे लॉस आपका हो जाएगा, उसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है। मैं सिर्फ आपको स्ट्रैटेजी बता सकता हूँ, ट्रेड आपको करना है, सीखना आपको है। बिना सीखे, बिना किसी चीज़ की नॉलेज लिए अगर आप ऐसे ही ट्रेडिंग करेंगे आँख बंद करके, तो डेफिनेटली लॉस तो होना ही होना है। तो उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कम अमाउंट से कीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। जब आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैं ऐसा कर पा रहा हूँ, उसके बाद आप अपने हिसाब से अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन पहले आपको नॉलेज लेनी है, सीखना है, लर्निंग करनी है। तो ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज़ आपके लिए इस चैनल पर लेके आता रहता हूँ। आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँगा। अगर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको ये कैसा लगा, और इस टॉपिक पर आपको और भी अगर वीडियो चाहिए, लाइव ट्रेडिंग की वीडियो चाहिए, तो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार विजिट करना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो गाइस इस वीडियो का समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।